आजमगढ़ अतरौलिया थाना क्षेत्र के बदेवा मझौली निवासी मूलचंद कनौजिया ने अतरौलिया थाना पर तहरीर दिया था कि उसकी 22 वर्षीय पुत्री मनीषा जो कक्षा 8 तक पढ़ने के बाद मदियापर बाजार में स्थित ब्यूटी पार्लर सीखने का कार्य कर रही थी। बीते 15 तारीख को वह घटना घर से ब्यूटी पार्लर जाने के लिए निकली थी, लेकिन वह घर वापस नहीं आई। घर वालों ने काफ़ी खोजबीन करने के बाद मनीषा का कोई पता नहीं चला। इस संबंध में गांव के इंद्रेश निषाद पुत्र लालचंद, जिसने लड़की की लगभग 5 वर्ष पहले से बातचीत होती थी, उससे पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा संतोषजनक जवाब दिया गया, जिस पर 18 तारीख को अतरौलिया थाने पर तहरीर देकर इंद्रेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर। इसी बीच में बुधवार को मनीषा के भाई रवि ने अपने कुछ साथियों के साथ खोजबीन कर रहे थे। उनके गांव के बगल में ही नहर के समीप स्थित एक झाड़ी में मनीषा की लाश मिली तो रवि ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मुकदमा लिखा गया है जी। तो ये कब की घटना है, किस दिन की घटना है? ये 15 तारीख लापता थी सर। 15 तारीख लापता। आप पुलिस को सूचना कब दिए? कल परसों कल कल दिए कल शाम कल शाम को दिए है ना। तो पुलिस को आपने सूचना दिया, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की थी इस दौरान? किए थे जी। तो आप ये आज लाश मिली है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, आरोपी को सजा मिलना चाहिए। सजा मिली। किसी और के ऊपर शक आपको? और किसी के ऊपर नहीं हमारे शक था। अब आरोपी पकड़ा जाएगा तो ही बताएगा। आरोपी कहाँ का रहने वाला है? हमारे गांव का ही। कितनी उम्र लगभग होगी उसकी? 20 साल की उसकी भी उम्र होगी। अच्छा ठीक। रवि कुमार कहाँ का रहे? मझौली में। मझौली भदेवा। मझौली भदेवा में। क्या मामला हुआ है आपके साथ? सर 15 तारीख मेरी बहन घर से गई थी ब्यूटी पार्लर, वहाँ से आई नहीं 15 तारीख से। हम लोग रिश्तेदार में खोजे, कहीं मिली नहीं। तो लड़का जो था उसको पकड़ा गया। वो कौन लड़का था? वही जो पकड़ा था। क्या नाम है उसका? उसका नाम इंद्रेश है। क्या किया था वो? वही किया था, शंका में उसमें गई उसको। अच्छा, वो किडनैप किया था आपकी बहन को? हाँ जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो हम लोग फिर नहीं मिली तो उसको भाग गया, इधर बांधे हमारे घर वाले पकड़े उसको। इसके बाद एक आया जो है अजेश, हरजन है वो, अजेश उसका नाम है। कहाँ का रहने वाला है वो? यही मझौली का। अच्छा, क्या कहा वो? वो बोला मैं अपने घर पे ले जाकर सुला रहा हूँ, हम लोग थे नहीं, मेरे बाप पिताजी थे, माने हाँ चलो सुलाएगा ही, गया इसके बाद भगा दिया उसको। क्या आशंका है आप लोगों को? शंका तो हमारी वो भी मिला हुआ है लग रहा है हमें, क्यों भगाया उसको। अच्छा ये बताइए, आपकी बहन से कोई, वो लड़के से कोई जान पहचान पहले से? हाँ पहले थी, बाद में नहीं, जब लोग बरक्षा कर दिए थे अपनी बहन की तब से कोई बात नहीं थी। अच्छा, जबरदस्ती किया गया उसके साथ। बरक्षा कब हुआ है? बरक्षा 10 तारीख को हुआ। इसके पहले आपकी बहन से कोई संबंध वगैरह भी था? मोबाइल वोबाइल दिया था पहले वो। अच्छा, पहले बात